फैसल कुछ हो जाए। सर फरीद भाई की जो मैंने ये नज़्म सुनी है तो मैं बड़ा उदास सा हो गया। और यार भाई हम जब बचपन में थे ना हम गरीब थे, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ पता मेरे अब्बू को था, हमें नहीं पता था कि हम गरीब हैं, सिर्फ मेरे अब्बू जानते थे। तो बाप को नहीं जाना चाहिए, गुर्बत परेशानी वो बाप ही देखता है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती। बच्चा मुझे एक शेर याद आ गया, जो मांगू दे दिया कर जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। जो मांगू दे दिया कर जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा। और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना, मैं नागन डांस नचना, मैं नागन डांस। क्या बात, तो ये आखिरी मिसरा जो है हंसले, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। नहीं आपको पता क्या, हम अच्छा तुम्हें ये वारदात होती है खुद जानबूझ के करते हो क्या? यार भाई हम बड़े परेशान हैं, तो यार हम ये क्यों यार परेशान। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी कमाल बात की है इन्होंने, जो बात की ना कि बच्चों को नहीं पता था गुर्बत क्या है। क्या है? मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक वाकया बताया था, उस शख्स ने मुझे रोका और उस शख्स ने रोकने के बाद अपने बच्चे के साथ ये कहा कि राशन डलवा दो। इमेजिन करें, अगेन ये भी पार्लियामेंट की बात है, इमेजिन करें कि एक बच्चा जो अपने बाप के साथ जा रहा है, जब वो अपने बाप को मांगते हुए देखेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा? क्या बाप हीरो होता है उसको हीरो रहने दे, रोल मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे। खैर एनीवे मुझे तुम्हारा ये बड़ा अच्छा लगा, ये कमाल तुमने ऐसी और भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब ने बोला कि मैसेज भी आप दे रहे हैं, जो भी करना है कर लें मजाक के जरिए, तो मैं परेशान नहीं करना चाहता। मैं अंदर से बड़ा फनकार जो हर रोज है जीना हमें, हर रोज है मरना, हर रोज है जीना हमें, हर रोज है मरना, काश हम इस मुल्क के फनकार ना होते। ये सीरियस नहीं फरीद भाई, जो परेशानियां चल रही हैं ये, यानी कि जरूरी नहीं कि महबूब ही महबूबा को बोले कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, बाप भी कहता है कि मैं बच्चों के लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, सब कुछ लेके आऊंगा, लेकिन वो आटे की लाइन से खाली चला जाता है। इतनी परेशानी है होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, तेनू पता वा तेन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, वरना क्या मैं अपने बच्चे को रोने देता? क्या बात, बहुत अच्छी। होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, वरना क्या मैं अपने बच्चों को रोने देता? बच्चों की खातर क्या क्या ना किया बाप ने, हद कर दी आपने, हद कर दी गुरबत ने हमारा बिना हद कर दिया। मौला खुश रखे आपको। एक सेकंड, अल्लाह जानता मेरा ये डॉक्टर कदे नहीं कहते मौला खुश रखे, पागल की रहे ये पागल डॉक्टर ने बोले कहता मौला खुश रखे, वो कहा ना मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग कमाल लोग हैं। बात वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी कि लाफ्टर इज एक्चुअली द बेस्ट मेडिसिन। और आज हमारे यहाँ जितनी डिस्पैरिटीज हैं, अच्छा अमेरिका में भी ये सब कुछ होता है, आप और मैं तो रहे हैं जी, वहाँ के माशरे को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? यहाँ दरअसल हमारे जहनों में बिठा दिया गया है कि शायद मुंह बसोरे रखना इल्मियत होती है, ये कोई दानिश होती है। यकीन मानिए जो अहले इरफान, जिसे इरफान मिला होगा उसका पहला अमल क्या हुआ होगा?